मेरे नैना हमेशा मेरी फाइक को ढूंढते हैं। वाह, क्लैपिंग क्लैपिंग लिम्शा। आप चाह रही हैं कि यहाँ पे मेरा जो है वो एक रिकॉर्ड लग जाए और हैशटैग तायरा अली राणा ने ऑडियंस को रुला दिया गाना गा के। उमर, आपने मुझे बताने, वैसे तो आप बहुत बड़े एंकर हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुझे बताएं कि अंडे वाले बर्गर की रेसिपी बताएं कि अंडे वाला बर्गर कैसे बनाया जाता है। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की जानब से कोरोना जब आया, लॉकडाउन का आगाज़ हुआ, तो एक आपने गाना सुना होगा, और अगर आपने नहीं भी सुना तो आप सर्च कर सकते हैं। तो वो जो सिंगर थे उस गाने के, वो रिजवान साहब थे। हमारा बैकग्राउंड पुलिस से है, तो इतना पता नहीं था, एंकरिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाती थी, लेकिन अभी ऐसा ऐसा हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। आपने यही पूछना होगा कि वेब टीवी को एक साल हो गया है, तो क्या एक्सपीरियंस? नहीं, हमने ये पूछना ही नहीं है। तो मैं जरूर बताऊंगा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज जो है हमारे चैनल की बर्थडे है, एक साल कंप्लीट हो गया है। आप सबकी सपोर्ट के साथ, आप सबकी दुआओं के साथ, और आप सबकी हमारे साथ जो एक प्रॉपर कमिटमेंट रही, और आपने हमें इतना इनक्रेज किया, आपका फीडबैक हमें मिला, पॉजिटिव मिला, नेगेटिव मिला, जिस तरह का भी था हमने उसे वेलकम किया। और आज आपकी वजह से हम इस जगह पर हैं कि हम जो है ये फर्स्ट एनिवर्सरी मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस वक्त हम पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी यानी PSEA वेब टीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं, और हमारे पास सेफ सिटी टीवी के एंकर्स मौजूद हैं। मेरे ख्याल में उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस बर्थडे पे वो क्या कहते हैं, उनके क्या ख्यालात हैं पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के वेब टीवी के हवाले से। बिल्कुल, उनसे जानते हैं कि वो क्या मतलब, जब फर्स्ट डे आए थे हम पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर्स थे, पुलिस की तरह पुलिस के बैकग्राउंड से थे, और अब जो है एक साल बाद क्या फील कर रहे हैं, किस तरह वे आउट है, क्या चेंजिंग्स आई हैं उनमें, मतलब की बातें भी करेंगे उनके साथ। आपने हमारे साथ रहना है, आइए। अभी जो मेरे साथ मौजूद हैं वो हमारे जाने पहचाने, बहुत ही फेमस, बहुत ही प्यारे और बहुत अच्छा बोलने वाले, बहुत अच्छा और बहुत सीरियस एंकर मौजूद हैं, उमर बख्त। और आइए उनसे जानते हैं। उमर, पहली साल पहले ये पूछते हैं, उमर इतना सीरियस किस तरह आप रह लेते हैं? सीरियस तो नहीं रहा जाता, लेकिन प्रोग्राम की नोयत ऐसी है, क्योंकि मैं पुलिस लॉ करता हूँ, पुलिसिंग से रिलेटेड शोज करता हूँ, सो मुझे थोड़ा एक्ट उस तरह करना पड़ता है। अच्छा उमर, ये बताओ कि वेब टीवी एक साल का हो गया है, एक साल पहले जब आए थे तब हम बिल्कुल न्यू थे, पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर थे, हमारा बैकग्राउंड नहीं था। अब एक साल में बहुत सारी चीज़ें हमने लर्न की, हमने ग्रूम हुए, हमें पता चला कि मीडिया क्या होता है, इस बारे में क्या कहोगे? सबसे पहले बहुत शुक्रिया, मैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा कि दे गेव अस द अपॉर्चुनिटी कि हम इसे लर्न कर सकें। वी आर द नॉविस, हमें बिल्कुल नहीं था पता, यू नो वेरी वेल, हम बिल्कुल नए थे इस फील्ड में, लेकिन हमने इस चीज़ को ग्रो किया। एंड द डे हम दोबारा करते हैं, एक शो आता है, फिर दूसरा करते हैं, फिर तीसरा करते हैं, एवरी डे वी आर लर्निंग। तो जहाँ तक बात है कि पहले कैसे था और अब कैसे है, मुझे याद है कि हमारे कुछ व्यूज़ हुआ करते थे, मुझे अभी भी याद है, शायद आपको भी याद हो, लेकिन नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स मिलियंस एंड मिलियंस, एक मिलियन से ऊपर अब हमारे व्यूज जा रहे हैं। कैसी फीलिंग है? अब आपके बहुत सारे शोज हैं जो 1 मिलियंस तक पहुंच चुके हैं, आप कैसे यार? इसमें सबसे पहले ना मैं ये समझता हूँ कि इंसान कुछ नहीं होता, बंदे को ये चीज़ मान लेनी चाहिए कि अल्लाह ताला की तौफीक होती है। इंसान, वो कहते हैं कि इंसान बुरा बोलता है वो अच्छा बन जाता है, ये अल्लाह की बरकत होती है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा अच्छा फील होता है, और मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टारगेट्स, काफ़ी चीज़ें जेन में, और इंशाल्लाह विल अचीव दैट। अच्छा उमर, ये चैनल की भी बातें होगी, कैसे सीखा, क्या हुआ, अब उमर से पूछते हैं कि उमर से कोई क्वेश्चन करते हैं कोई अच्छा सा। उमर, आपने मुझे बताना, वैसे तो आप बहुत बड़े एंकर हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुझे बताएं कि अंडे वाले बर्गर की रेसिपी बताएं कि अंडे वाला बर्गर कैसे बनाया जाता है। मेरे ख्याल से सबसे पहले एक अंडा लेना चाहिए। अच्छा। और अंडे को पका के ब्रेड के ऊपर खा लें तो वो भी अंडे वाला बर्गर। नहीं, 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 ये ना, ये उमर ने वो बात की है कि लड़कों को क्या बनाना आता है, वो कहते हैं सिर्फ एक अंडा बॉईल करना आता है। बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इनका अंडे वाला बर्गर है कि अंडा तोड़ो, फेंटो उसको अच्छी तरह, ब्रेड के ऊपर डालो और खा लो, ये अंडे वाला बर्गर। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ताहिरा अली राणा, जो के सेफ सिटी वेब टीवी में एंकर है और बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन साथ में पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर भी हैं। इनका शो, इन पूछते हैं कि ये किस तरह के शोज करती हैं, और एक साल पहले वेब टीवी जब आया और आज के वेब टीवी में क्या फर्क है। जी ताहिरा, ये मुझे बताइए क्या फीलिंग है आज आपकी, पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का वेब टीवी को एक साल मुकम्मल हो चुका है, आप यहाँ पे शोज भी करती हैं, तो क्या कहेंगी इस हवाले से? सबसे पहले तो देखने वाले सब नाज़रीन को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करती हूँ कि वेब टीवी को एक साल हो गया है, और मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा वेब टीवी, मैंने ज्वाइन किया एज अ पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर, मैंने सेफ सिटी ज्वाइन किया था, बैकग्राउंड कोई भी नहीं था इस हवाले से, लेकिन शौक था, वेब टीवी ने चांस दिया, अवेल किया, आए, थोड़ा सा पॉलिश किया, डांटे भी खाई, और ये कि लर्न किया, स्टिल कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, इन्जॉय कर रहे हैं। अच्छा, हमारे नाज़रीन को बताएं कि आप यहाँ पर कौन सा शो करते हैं?
मैं आजकल यहाँ पे कानून के दायरे में शो करती हूँ. रिसेंटली प्रोग्राम था मेरा निकाह के ऊपर, नेक्स्ट अभी नेक्स्ट वीक आप लोग देखेंगे. तो उस हवाले से ये कि मज़ा आता है, ये भी है कि डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ आती हैं, आप उनसे बातचीत करते हैं, उनसे बहुत सब कुछ सीखते हैं और स्टाफ यहाँ पे बहुत अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है. तो खूब मतलब मज़ा आता है, इन्जॉय करते हैं. जॉब के साथ साथ हम लोग एक डिफरेंट एंटरटेनमेंट भी हो जाती है हमारी. मज़ा आता है. कौन सा शो जो है अब तक आप समझती हो कि बेस्ट शो है PSEA का, जो आपको बड़ा मज़ा आया देख के? सेफ सिटी वेब टीवी का सबसे अच्छा शो जो मुझे लगा वो रमशा का शो था, जिसमें इन्होंने SPs को बुलाया हुआ था और उनके साथ वो एक बड़ा फनी और लाइटर नोट पे बड़ा मतलब एक अच्छा रहा. रिमशा ने सवाल आपसे पता क्यों किया था कि रिमशा का? आपने मुझसे पता था कि मेरी तारीफ होनी और मैं अपनी तारीफ के लिए. माशाल्लाह यहाँ पे सारे ही एंकर्स बहुत अच्छे शो करते हैं. और ये कि सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ये कि हमारा बैकग्राउंड नहीं है इस फील्ड के हवाले से, और उसके बावजूद हम लोगों ने बहुत एफर्ट की, मेहनत की और स्टिल सब कर रहे हैं और सभी बहुत अच्छा करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता मजीद अच्छा कर लेंगे. अच्छा ताहिरा, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, आप बहुत अच्छा गाना गा लेती हैं, तो कोई गाना आज हमारे नाज़रीन को ताहिरा से सुनने गाना एक ताहिरा कोई अच्छा सा गाना, कोई शेर, कोई लतीफा, कुछ भी शेर मिली नगमे कर लेती होती हूँ. अच्छा। लेकिन ये कि गाना वगैरह कैसे कुछ, अब आप चाह रही हैं कि यहाँ पे मेरा जो है वो एक रिकॉर्ड लग जाए और #ताहिरा अली राना ने ऑडियंस को रुला दिया गाना गा के. मैं सबसे जल्दी नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मोस्ट वर्सेटाइल एंकर मौजूद हैं पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के वेब टीवी के, जो मॉडल भी हैं, एक्टर भी हैं, दिखने में तो खूबसूरत है ही हैं लेकिन बोलने भी उतना ही प्यारा बोलते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं जी ज़ुबैर शारिक. ज़ुबैर क्या कहेंगे आप, बड़ा आज खुश नजर आ रहे हैं, क्या चक्कर है, क्या वजह है वेब टीवी की वो सेफ सिटी वो जो अपना बर्थडे उसकी वजह से? खुशी का तो सबसे पहले तो आपको फाइक अस्सलाम वालेकुम और मोहतरमा सनफ नाजो खूबसूरत रिमशा को भी अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से. सबसे ज़्यादा खुशी का मौका तो आज है और ये क्यों ना हो हमारे वेब चैनल को जो है वो एक साल मुकम्मल हो गया है और पता ही नहीं लगा कि एक साल कहाँ चला गया. और आप ज़ुबैर पता चल जाता है? नहीं मुझे बिल्कुल पता. जितनी मेहनत करनी पड़ती है और जितनी मेहनत करवाते हैं हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं, पता चलता है. देखिए मेरा ये मानना है कि जब आपको किसी चीज़ का शौक हो ना तो उस हवाले से आपसे इतनी मर्जी मेहनत करवा लो आपको महसूस नहीं होता. तो शायद मेरी ये फील्ड है, मुझे शौक है ऐसा करने का, तो मुझे महसूस नहीं हुआ. आपके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता अगर आपको पता चला है तो इस बारे में, लेकिन बहुत ही बेहतरीन सफ़र रहा. सोचा नहीं था कि इस तरह से हम चलेंगे, लेकर हमारे प्रोड्यूसर, हमारे एंकर्स, हमारी जो टीम है मुकम्मल की मुकम्मल बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें लेके चले और बहुत ही खुशी है मुझे इस बात. अच्छा ज़ुबैर आप एक्टर भी हैं, उसके अलावा मॉडल भी हैं, उसके अलावा पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर भी हैं, साथ में आप एंकर भी हैं, कैसे कर लेते हैं ये सब कुछ, बताएं ज़रा मुझे आज क्या राज है? बस ये कह सकते हैं कि बड़ों की दुआएं हैं, साथ आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, खलूस है और कमिटमेंट है, जिसकी वजह से जो है ये सब काम एक साथ चल रहे हैं और होपफुली आगे चलते रहें और किसी ना किसी डगर पे हम पहुँचें और मज़ीद इस इदारे के तवस्सुत से इस इदारे का जो है वो नाम रोशन हो. अच्छा ज़ुबैर एक शेर वैसे तो आप कुछ शेयर करना चाहें तो ये आपके ऊपर है, कोई गाना सुनाए कोई. ज़ुबैर वैसे बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, ज़ुबैर कोई एक्टिंग करवाते हैं इनसे? हां आज कुछ एक्टिंग करके दिखाएं किसी अच्छे टॉपिक पे. एक्टिंग रोमांटिक डायलॉग बोल दूं? नहीं रोमांटिक नहीं कुछ. पहले बताइए वो किसके लिए बोलेंगे, मेरे लिए या रिमशा के लिए? ये फाइक मैं तुम्हारे लिए बोलूं. पहली दफा कोई मेरे लिए कि ज़ुबैर के लिए, ज़ुबैर जो है वो फाइक के लिए बोलेगा. ज़ुबैर क्या कहना चाहेंगे? ये मैं फाइक के लिए बोलूंगा और फाइक को इस वक्त मैं अपनी महबूबा कंसिडर कर रहा हूँ कि फाइक मेरी महबूबा है. और ये डायलॉग है कि जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, जब मैं आंखें खोलता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ, जब तुम मेरे आस पास नहीं होती तो मैं चारों ओर महसूस करता हूँ. मेरे नैना हमेशा मेरी फाइक को ढूंढते हैं. वाओ क्लैपिंग क्लैपिंग रिमशा. लेकिन ये मुझे मुकम्मल एक्चुअली बहुत एक्साइटेड था मैंने इसलिए फटाफट अपनी बात शुरू कर दी. मुकम्मल नहीं, मेरे नैना हमेशा मेरे फाइक को ढूंढते हैं. इसे प्यार कहूँ, पागलपन या दिल की धड़कन, एक ही बात है. मैं तुम्हें सारी जिंदगी प्यार करूँगा, मैं तुम्हें मरते दम तक प्यार करूँगा और शायद उसके बाद. ये मुझे बताएं, ये मेरे लिए निकाह, ये मेरे लिए निकाह, ये मुझे अंदर फीलिंग कुछ और थी, ये किसी और के लिए बात कर रहे थे. फाइक के लिए था खुसूसन, ये फाइक मैंने आपके लिए बोला, मुझे आपसे बड़ा प्यार है, मोहब्बत है. लेकिन ये ऑन एयर जाएगा तो लोग इसको जो है वो कुछ और ना समझ लें, ये सिर्फ मेरी मोहब्बत है फाइक. थैंक यू सो मच ज़ुबैर, बहुत शुक्रिया आपकी इस मोहब्बत का. रिमशा अब कौन है हमारे साथ? अब हमारे साथ बहुत ही
फेरी टेल प्रिंसेस मौजूद हैं हमारे साथ, एंकर मौजूद हैं नैन तारा और आइए उनसे जानते हैं कि एक साल पहले जब नैनतारा आई थी और हमने इकट्ठे ऑडिशन दिया था, मुझे अच्छी तरह याद है वो दिन जब मैं और नैनतारा इकट्ठे आए थे ऑडिशन देने के लिए कि कौन जो है सिलेक्ट होता है तो कौन नहीं, तब मेरे साथ नैनतारा थी। नैनतारा वो वाला दिन था और अब आज का दिन है, एक साल हमें हो गया है, मुझे अच्छी तरह याद है वो दिन हमने बड़ी स्ट्रगल की और बहुत हम तैयारी कर रहे थे, नर्वस थे, और आज जब आप खड़ी होती हैं शो करती हैं, क्या फ़र्क है? काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, अभी तो बहुत एक्सपीरियंस मिला है हम लोगों को। पहले हम लोग आए थे, हम लोग क्योंकि हमारा बैकग्राउंड पुलिस से है तो इतना पता नहीं था, एंकरिंग करना बट थोड़ा मुश्किल हो जाती थी, लेकिन अभी ऐसा ऐसा हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और अच्छा एक्सपीरियंस था, तब हम लोग इतना जानते भी नहीं थे। अब तो अच्छी क्या चीज़ आपने सीखी है? कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज हुआ है या आप समझती हैं कि किसी से बात करने का तरीका आपको पता चला? ये सारी चीज़ें होती हैं ना एंकरिंग में, बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं, तो इसमें से कोई एक चीज़ बताइए हमें कि जो आपकी बहुत इंप्रूव हुई, पहले कम थी। बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा इंप्रूव हुआ है, पहले बोलने में थोड़ी झिझक महसूस होती थी, अब तो हम लोग इजीली शो करते हैं। खवातीन बोल लेती हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बोलने का बहुत ज़्यादा होता है। एक यहीं पर मैं एक ना छोटा सा कहते हैं चौकी सुनाऊंगा कि किसी ने कहा था कि खवातीन को क्या सजा दी जाए, उसने कहा कि एक रूम में दो खवातीन को बिठा के उनके मुंह पे स्कॉच टेप लगा दें और आप समझे कि उनकी सबसे बड़ी सजा यही है। लेकिन फाइक ये गलत है, अब जो मेरे ख्याल में लड़कियां दो बैठती हैं, मैंने काफी अरसे तक उन्हें दोनों को खामोश अपनी अपनी जब तक अगला बात नहीं करती वो नहीं बात करती। एक्चुअली वो मोबाइल फोन होता है आपके हाथ, इसलिए ये भी हो सकता है मोबाइल फोन। अच्छा शेयर क्या करोगी हमारे साथ? आज वेब टीवी का एक साल पूरा हुआ है, बहुत अच्छा लगा है और मुझे बहुत खुशी हुई है कि वेब टीवी ने पुलिस वालों ने एक अपना चैनल इंट्रोड्यूस करवाया है वेब टीवी के नाम से, PSCA टीवी, तो इससे हमारा जो पुलिस का इमेज है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। पहले हमें लोग नेगेटिव सेंस में भी लेते थे कि पुलिस वाले ऐसे होते हैं, तो अभी उन्हें पता चला है कि हम लोग अच्छे भी हैं, हम लोग फ़नी भी हैं, हम लोग मजाक भी कर लेते हैं, हम लोग काम भी करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त एक और बहुत ही मासूम और बहुत ही लाडलेस एंकर हमारे साथ मौजूद हैं और इन्हें इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपके साथ। क्या नाम है आपका? नाम तो आपने सुना ही होगा। ये कुछ ज़्यादा टिपिकल टाइप नहीं शो हो गया? क्या नाम है आपका? जी उजियार अब्दुल्ला कहते हैं मुझे। और हमने सवाल कोई नहीं करना, हमने खुद ही बता। अच्छा, एज एंकर मैंने एंकर आप हैं या मैं हूँ? जी आप एंकर हैं। जी तो मुझे पता है जो आपने पूछना है, आपने यही पूछना होगा कि वेब टीवी को एक साल हो गया है तो क्या एक्सपीरियंस? नहीं हमने ये पूछना ही नहीं है। नहीं पूछ लेते, अगर आपने नहीं भी पूछना तो मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि वेब टीवी के आने से सेफ सिटी, हमारी पंजाब पुलिस और बाकी तमाम फोर्सेज के जितने भी इदारे हैं उनका सॉफ्ट और पॉजिटिव इमेज जो है वो लोगों तक पहुंचा है। अच्छा। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि हम जो है एक अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को और सॉफ्ट इमेज को फैला रहे हैं। नाज़रीन आपको बताते चलें कि जो उज़ैर है ना, इसका अदब के साथ बहुत ताल्लुक है और इस वक्त जो बात कर रहा है वो बड़ा सीरियस अंदाज में कर रहा है, तो उज़ैर आपसे सीरियस अंदाज में हम बात करते हैं। आप हमें बताएं कि आप पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर भी हैं, साथ में एंकर भी हैं, साथ में आपका अदब के साथ भी ताल्लुक है, शायर भी हैं। शायर किस तरह से, मतलब ये कहाँ से, कोई क्या दिल टूटा है आपका? कहते हैं ना कि टूटे टूटे हो गए इसका तो टूटा नहीं, कुछ हुआ था। हाँ मुझे बचपन में प्यार हो गया था। किससे? नहीं ये नहीं मैं बताना चाहूंगा। अच्छा चलिए, कोई शेर बताएं, कोई शेर उसके लिए डेडिकेट करें। हाँ चलो, उसको कोई शेर डेडिकेट नहीं करूंगा, अपने अदब की बात की है तो चलो मैं आपको शेर सुनाई दिया। जॉन एलिया का शेर है, मर चुका है दिल मगर जिंदा हूँ मैं, मर चुका है दिल मगर जिंदा हूँ मैं, जहर जैसी कुछ दवाएं चाहिए, पूछते हैं आप अच्छे तो हैं, जी अच्छा हूँ, दुआएं चाहिए। वाह 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 वाह, ज़हर अब रोना नहीं है आपने, आपकी मेहरबानी। लेकिन वो जमाने गए। अच्छा वो जमाने। हाँ। लेकिन ज़हर को बताते चलें, बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही होनहार ये हमारा एंकर है। ज़हर फाइनली बस अब हम प्रोग्राम को वाइंड अप कर रहे हैं, तो आप बता दें कि आप कौन सा प्रोग्राम करते हैं? जी कानून के दायरे में हम प्रोग्राम कर रहे थे, इसके अलावा पब्लिक ओपिनियन और कुछ स्पेशल रिपोर्ट्स। बहुत शुक्रिया ज़हर आपका। हमारे साथ इस वक्त पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिसर मौजूद हैं, ये तो इनका एक तारुफ था, लेकिन जो सबसे वेब टीवी के साथ इनका ताल्लुक है वो ये है कि ये बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। बिल्कुल। और ये गाना बहुत अच्छा गाते हैं और आपने यकीनन पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की जानिब से कोरोना जब आया, लॉकडाउन का आगाज़ हुआ, तो एक आपने गाना सुना होगा, और अगर आपने नहीं भी सुना तो आप सर्च कर सकते हैं। तो वो जो सिंगर थे उस गाने के वो रिजवान साहब थे। रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर कैसा फील कर रहे हैं, एक साल हो गया और सेफ सिटी का जो वेब टीवी है वो उसको मुकम्मल हो गया एक साल, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए बहुत खुशी का मौका है मेरे लिए भी और आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छा मेरा ताल्लुक रहा है। मुझे अभी भी याद है नहीं, रहा है या है? रहा है और अभी भी है ऑब्वियसली। अच्छा। आपके साथ जब तक इंशाल्लाह वेब टीवी है
तो आप लोगों के साथ हूँ मैं। और सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छा अभी भी वो दिन याद है कि मैं यहाँ पे आया अहमद हसीब के पास और हमने एक दूसरे से अपने आइडिया शेयर किए म्यूजिक के बारे में। अहमद हसीब कौन है? जो आपके प्रोड्यूसर मुझे लगता है इस शो के बारे में चल बेटे तो उनके साथ एक बहुत अच्छा एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी आप लोगों के साथ भी। फिर आप लोगों के साथ तो पहले भी थी जब मैं ऑपरेशंस में था, लेकिन ये कि उनके साथ एक अच्छा ताल्लुक रहा और फिर उसके बाद मजीद वेंचर्स हम करते रहे तो बहुत अच्छा, मतलब आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। सर, ये जो आपने लॉकडाउन में पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के लिए गाना गाया था उस हवाले से बताएं, वो ख्याल आपको किस तरह से आया कि हम लोगों के लिए एक आगाही के तौर पर एक गाना गाएं? देखिए, उसमें यही था कि एक मुझे था कि हमारी तरफ से एक इनिशिएटिव होना चाहिए। फिर जब मैंने अहमद हसीब से आके डिस्कस किया, उन्होंने कहा कि चलें अगर ये वो मुझे इनकरेज ना करते तो शायद हम ना बना सकते।